प्रिय श्रोतागण, शुभ आशीर्वाद, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सम्मान प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोग यही प्यार स्नेह देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं और खुद आप कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाए। आज एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं। चंद्र राहु, चंद्र सूर्य राहु ग्रह की युक्ति, चंद्र सूर्य राहु ग्रह की युक्ति अगर आपके कुंडली में है तो किन किन राशियों में क्या प्रभाव देता है, मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जिसके कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, अच्छी सोच होती है, अच्छी उन्नति करते हैं, सोचे हुए कार्य में सफल रहते हैं। जिसकी कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे कुंडली वाले बचपन से ही होनहार होते हैं, बहुत कम उम्र में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, स्वावलंबी होते हैं और जो कुछ भी इनके पास रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसकी कुंडली में मिथुन राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता भाई बंधुओं से अच्छा यश कृति प्राप्त करते हैं, अच्छा सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग कभी गरीब नहीं होते हैं, कभी कर्जदार नहीं होते हैं। जिसकी कुंडली में कर्क राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, जिद्दी होते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग संगीत संबंधी, कला संबंधी, व्यवसायिक संबंधी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने विद्या के द्वारा अपना नाम रोशन करते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, दुश्मन अधिक पैदा करते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, जेल जाने की संभावना बनती है। जिसके कुंडली में तुला राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग पारिवारिक जीवन इनका ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, पारिवारिक विवादों में रहते हैं, तलाक तक की समस्या आती है, ऐसे लोग कर्जदार भी होते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्र सूर्य राहु की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जिसके कुंडली में धनु राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग नौकरी में सफल नहीं होते हैं, बेरोजगार रहते हैं, छोटी मोटी नौकरी में उन्नति नहीं होती है, व्यापार में घाटा खाते हैं। जिसकी कुंडली में मकर राशि में चंद्र सूर्य राहु की युक्ति हो, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं, हमेशा बेरोजगार रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से ये हमेशा दुखदायी जीवन इनका व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग को परिवार से अधिक मित्रों से लाभ मिलता है, इनके पास जो भी जमीन जायदाद आता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में मीन राशि का चंद्र सूर्य राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, खर्चीला होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया,
इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।